से लगातार चलता आ रहा है। आपके मीडिया के माध्यम से, हम आपके मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके मीडिया की वजह से आज जो पेरेंट्स अवेयर हुए हैं, जागरूक हुए हैं, और काफी लोगों ने हमें सहयोग किया है, हमारी पेरेंट्स एसोसिएशन को, और हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो आज भी लंबी नींद में, गहरी नींद में सोया हुआ है। हम आपके मीडिया के माध्यम से, ये जो हमारे गवर्नर साहब हैं, माननीय मलिक साहब, हम इनसे अपील करना चाहते हैं कि जो JKFFC के हमारे जो रिटायर्ड जस्टिस इम्तियाज हकीम जी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नजीरुल हुसैन जी हैं, या हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो सरिता चौहान जी हैं, या फिर हमारे डायरेक्टर एजुकेशन अनुराधा जी, जम्मू में अनुराधा जी हैं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं गवर्नर साहब कि इनको सस्पेंड किया कर दिया जाना चाहिए और इन पे कड़ी से कड़ी इंक्वायरी बिठवाई जानी चाहिए, क्योंकि सब प्रूफ होने के बावजूद, पुख्ता सबूत होने के बावजूद, ये लोग प्राइवेट स्कूलों की लूटो जो लूट की जा रही है, कोई भी राहत नहीं पहुंचा पाए पेरेंट्स को, कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाए उन स्कूलों पे। ये सिर्फ अपने ऑफिसों में, ऑफिस ऑफिस में बैठकर एसीओ की ठंडी ठंडी हवा लेकर पेपरों में अपनी रिपोर्ट डाल देते हैं, आज हम उस स्कूल में गए, कल हम उस स्कूल में गए, परसों हम उस स्कूल में गए। जबकि मैं आपको बता दूं कि आज भी हमारे जो आंदोलन है, पेरेंट्स की जो चीखें हैं वो रोडों पर आ चुकी हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं उनकी चीख पुकार तक नहीं इनको सुनाई दे रही। और इस आपको मैं एक चीज और बता दूं, आपने लास्ट टाइम देखी होगी एक प्रेस रिलीज आई थी कि अनुराधा मैडम के साथ हमने मिसबिहेव किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिन लोगों ने ये प्रेस रिलीज दी है ये वही लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी वो कटघरे में खड़े हुए थे, आज भी खड़े हैं, ये वो लोग हैं।